जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बस यहाँ से करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो जनाब, आज का जो ब्लॉग है ना वो बहुत ही अहमियत भरा, बहुत ही ख़ास किस्म का ब्लॉग है, क्योंकि आज के दिन ये शख्स इस दुनिया में आया था। आज है हमारी पैदाइश का दिन। अच्छा, पैदाइश का दिन मतलब बर्थडे। वैसे हमारे यहाँ पर बर्थडे पर जो है कोई केक शेक वाला सीन नहीं होता, मतलब ऐसे करके कैंडल नहीं बुझाते, यूँ ऑ करके कुछ नहीं होता। बर्थडे स्पेशल दिन है, जब मनाना तो है ना, दिल तो है ना हमारा भाई, अपने सारे घर वालों को हमने बोला हमारे पैदा होने के इस अहम तरीन मौके पे हम दावत आम करना चाहते हैं इसका बिल। तो जाएंगे, मिलेंगे आपसे, मज़े करेंगे, आपको भी कराएंगे, हमारे साथ रहिए। आई एम बर्थडे बॉय, यू नो। तो भाई साहब, एक और बात बताता चलूँ, इस दिन में एक और शख्स पैदा हुआ था। आप इसे मेरिकल कह लो, इत्तेफाक कह लो, या फिर मेरी बुराई कह लो, कुछ भी कह सकते हो। तो 14 सितंबर को पैदा हुआ, ठीक 5 साल बाद एक और शख्स पैदा हुआ, वो है हमारा छोटा भाई। जी हाँ, मेरी बर्थडे और मेरे छोटे भाई की बर्थडे दोनों सेम दिन पे। पीआर शेख्स, फैमिली बजट बिल्कुल मेंटेन करके चलना था। अगर अलग अलग बर्थडे आती तो अलग अलग केक आता और दो दो दफ़ा जाके खाना खा रहे हैं तो बजट आउट हो सकता था। तो फैमिली बजट मेंटेन करने के लिए हम लोग एक ही दिन पे मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह, चलते हैं। इनको आप पहचान गए, ये हम छोड़ के आए थे टंडो आदम में। इनके अम्मी अब्बू गए हैं उम्रे पे और शैतानों को यहाँ छोड़ के गए। टिकट कैंसिल हो गए थे इनके, तो इनको जो है हमारे घर में छोड़ के गए। आप हमें अपने घर वालों ने यहाँ बिठा दिया है, वो बोल रहे थे यहाँ पर सिर्फ तुम यहीं पर ही अच्छे लगते हो तो तुम इस कमरे से बाहर वीडियो नहीं बनाओ। तो देख लो, ये वही सोफ़ा है जहाँ पर हमारी वीडियो की शुरुआत और इख्तिताम होता है। और ये दूसरे वाले भाई का इंतज़ार हो रहा है, बस क्या कर सकते हैं, असल में दो है ना बढ़ते हुए। मिलते हैं आपसे। ये भाई दोनों साल ही 19 साल के हो गए, अंदर से सब काले हैं, बाहर से सब दिलवाले हैं, कोई मसला नहीं, दोनों जे डॉट वाले हैं। ये फिक्र है, ये मोहम्मद साल ले लिया, हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों इसको ढूंढ रहा था, आपने इतना कीमती खजाना हमारे हवाले किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए केक भी लाए, लाओ भाई, दे दो भाई, दे दो। ओए होए होए, ये भाई हैं हमारे। आपकी कैसी फीलिंग? गर्ल टू एक्सप्लेन के मैं ऐसे बता रहा हूँ इनके साथ। कहाँ करते हो सब लोग? पहली दफा देखिए कौन आ गए। बस गिफ्ट कहाँ है मेरा गिफ्ट? अच्छा सॉरी, ये 80 रुपये में दे दिया उसने। मान गया ना वो बंदा यार, बड़े मुश्किलों से माना बस कह दिया। अरे खूबसूरत आदमी, दांत साफ कर ली तुमने? दिलाओ। और फिर हमने याद अधूरा हैप्पी बर्थडे देखा तो हमने सोचा आपको भी दिखाएं। Hey
The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for it. भाई साहब घर पे आ गए हैं और फुल सीन ऑन हो रहा है। स्पेशल गिफ्ट जो है वो ये इसके हाथों में एकदम फ्लैग किसी पर एयरपोर्ट से ज्यादा जरूरत थी तुम्हें इसकी। बर्थडे गिफ्ट मिला ओए सही से चेक करो नंबर वन ये लोग हमारे पसंद की सारी चीजें हैं सब ये हैं। अच्छा इसमें लाइन से चिप्स लगाई हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 चिप्स। ये क्या 80 रुपए होगा। अच्छा पाकोला का जूस भी है। को मिला है खुशबू। हाँ मुझे नहीं पता कौन सा सैनिटाइजर। इस सफाई का खास ख्याल रखेगा बेटा तू हाथ धो लिया करना। अच्छा डिओडोरेंट भी दिया है ताकि इसके अंदर से बदबू नहीं आए जले हुए कागज की। हेड एंड शोल्डर। अबे अब तू शैम्पू भी नहीं करता यार। वालों ने तुझे जो है ना इनडायरेक्ट घर वालों ने तुझे इनडायरेक्ट बताया है कि भाई ये चीजें यूज किया कर। क्या क्या है इसके अंदर? मुझे तो बचपन में किसी ने भी नहीं दिया था ऐसे अच्छे गिफ्ट। उसके बाद जो दिए हैं बड़ों के वो नहीं दिखता। बचपन की बात कुछ और होती है। बड़ों के जो इतने महंगे महंगे होल सेल लगे थे पार्क वाला दिन तो खोला था बड़ा सुबह में मुफ्त में से वाले। वाह भाई वाह सब तेरा एक हफ्ते का तो कोटा हो गया। तू क्या करेगा इतने सारे सामान का? ये भाई की तरफ से मिला और भाभी की तरफ से ये मिला। बस बात तो एक ही है बस वो फिजिकली मिल गया और ये थोड़ा सा करेंसी में मिल गया। इतना शौक में क्यों है मुझे बता। तुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुझे जो है गिफ्ट भी दे सकता है कोई? वो भी इतने महंगे महंगे। हाँ वो देखो हेड एंड शोल्डर को दे सकता है यार वो पजामा पहन के। अरे मैं तुझे बोल रहा था ना ब्रांडेड है। तो जनाब बस बहुत सारे गिफ्ट हो गए उनको समेट के भी रखना है बस आगे तो स्वेप के उसके हवाले करेंगे। यहाँ करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपने घर वालों का बहुत बहुत सारा ख्याल रखें और इसी के साथ साथ का अल्लाह हाफिज़।